Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों, मैं इस चैनल पर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रहा हूँ. ये जो मेरी क्लासेज हैं वो नेट जरफ के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एम फिल पी एच डी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी स्टेट का जो सेट का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. यदि आप नेट जरफ एम फिल पी एच डी का एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ स्पेशली मेरे इन दोनों सब्जेक्ट्स के वीडियोज को आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे. इसके साथ ही ये जो मेरे वीडियोज हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो मैं मुद्दे की कि मैं ये वीडियोज क्यों बना रहा हूँ. दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंग, यूनिवर्सिटी और गौरबंग जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ पर पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंग एक यूनिवर्सिटी है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर पीएचडी की वैकेंसीज निकली हुई हैं. उन वैकेंसियों की संख्या है टोटल 104. जो वेस्ट गौरबंग यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, उसमें पीएचडी की टोटल 104 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं. अब आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो और अपना जो पीएचडी में एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके और पीएचडी में एडमिशन कर लेकर अपना एक सपना पूरा कर सकते हो. तो जो पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन, तो जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल की, जो जनरल का कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मास्टर डिग्री, जिसमें एम कॉम, एम ए, एम बी ए, ये सारा का सारा जो पीजी की डिग्री होती है उसमें उनके 55% मार्क्स होने चाहिए. जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जो कि यूजीसी के अंडर में आती हो. यूजीसी के अंडर में आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के मास्टर डिग्री में. अब बात करते हैं हम ओबीसी, एससी और एसटी. ओबीसी, एसटी व एससी के कैंडिडेट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के अंडर में, उन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के अंडर में से 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, कि ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए, जो कि मिनिमम मार्क्स है, 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए मतलब. और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए. उसके बाद बात करते हैं फॉर्म डेट की. फॉर्म डेट है जो 14 तारीख से स्टार्ट है, जो कि 24 तारीख तक भरे जाएंगे. जो गौरबंग यूनिवर्सिटी है पश्चिम बंगाल में, उसकी जो फॉर्म डेट है पीएचडी में एडमिशन की, वो 14 तारीख से 24 जनवरी तक है. उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडमिशन, कि उसमें एडमिशन कैसे होगा. तो जो उसकी प्रोसेस है एडमिशन की, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगा पहले. जैसे आप फॉर्म फिल करोगे उसके जस्ट बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा. उसके बाद में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 2 सेशन रहेंगे. एक फर्स्ट सेशन रहेगा जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी का रहेगा, और जो सेकेंड सेशन है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, तो उसका रहेगा. तो जो फर्स्ट सेशन है रिसर्च मेथडोलॉजी, वो 50% 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे. और जो दूसरा सब्जेक्ट्स का है वो भी 50% है, 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें बाकी के 25 क्वेश्चन रहेंगे. तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा उसके 2 सेशन रहेंगे, एक है रिसर्च मेथडोलॉजी जो 50%, दूसरा है सब्जेक्ट जो 50% है. उसके बाद आता है क्वालिफाइंग मार्क्स. इसमें आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स चाहिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए. इतने तो आपको मिनिमम चाहिए. यदि आप जो गौरबंग यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है वो देते हो तो आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स, और ओबीसी, एससी व एसटी कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए, जो पासिंग मार्क्स है. उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेप्स ऑफ एडमिशन. आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो आप कल आप अपने नियरेस्ट किसी भी
फॉर्म सेंटर पर जाके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो फॉर्म डेट है वो 14 से 24 के बीच में, मात्र 10 दिन की है। तो फर्स्ट स्टेप है उसका फॉर्म फिलिंग, सेकेंड स्टेप है एग्जाम। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपके एग्जाम डेट फिक्स कर दी जाएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपका, जो भी आपका एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए जाएंगे, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उस जो गौरबंग यूनिवर्सिटी है उसमें जमा करा के आने पड़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दोगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके बेस पर आपका गौरबंग यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन होगा। जो गौरबंग यूनिवर्सिटी है वो पीएचडी मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 6 साल लगाती है। जो गौरबंग यूनिवर्सिटी है उसमें पीएचडी का जो ड्यूरेशन है, जो पीएचडी का जो काल है, जो मिनिमम ईयर 3 वर्ष है और मैक्सिमम ईयर 6 वर्ष है। तो दोस्तों ये था गौरबंग यूनिवर्सिटी। आप इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर जाके और इससे रिलेटेड जितनी भी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये गौरबंग यूनिवर्सिटी में पीएचडी की टोटल 104 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें आप अपना फॉर्म फिल करके और उसकी जितने भी स्टेप्स हैं इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करके और इसमें एडमिशन लेकर अपना एक सपना पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप बता दूं कि जो गौरबंग यूनिवर्सिटी है उसमें एम फिल की भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ एम फिल की वैकेंसियों का, उसको आप डिटेल से देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से। तो दोस्तों आप यदि इस तरह से भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एमफिल या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के बारे में जानना चाहते हो, इनके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही मैं बता दूं यदि आप मेथडोलॉजी जो रिसर्च मेथडोलॉजी है जो 50% का आएगा, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आप मेरा जो टीचिंग जो फर्स्ट पेपर है नेट का फर्स्ट पेपर उसके वीडियोज देख सकते हो। और यदि कोई बंदा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसका, तो वो बंदा मेरा जो इसके ऊपर इस चैनल के ऊपर मैं जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के वीडियो डाल रखा हूँ वो आप देख के और इसमें एक अच्छा हाई लेवल का स्कोर कर सकते हो, जिससे कि आपका पीएचडी में एडमिशन जाए। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप जल्दी से इन सभी स्टेप्स को कम्प्लीट करके और पीएचडी में एडमिशन लो। थैंक्स, और मेरे नेक्स्ट जो एमफिल का वीडियो है उसका वेट करो। बाय।